हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। शेयर सस्पेंडेड है 21 मार्च से एंड 7.82 क्लोजिंग प्राइस है। NSE एंड BSE दोनों में सस्पेंड है। CIRP फाइल हो रखी है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया था, बट NCLT ने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया। अगर NCLT अप्रूवल दे देती है तो कंपनी हो जाएगी रिलायंस की। सो इसी से रिलेटेड कोर्ट में केस चल रहा है अहमदाबाद ब्रांच में। नेक्स्ट हियरिंग की डेट्स आ रही हैं बैक टू बैक। एंड फ्रेंड्स, कल है एक डिफरेंट डेट, 28th को फ्रेंड्स एक इसमें अपडेट आने वाला है कि अब फाइनल रिव्यू और फाइनल आउटकम आ सकता है। सो कल की डेट को आपको भूलना नहीं है। और अपडेट कब आएगा कि हियरिंग में क्या हुआ, फ्रेंड्स लेट इवनिंग ही अपडेट आएगा। तो जैसे ही अपडेट आ जाएगा वैसे ही मैं आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर बताने वाली हूँ। आपको पता होगा फ्रेंड्स, इस बार दो हियरिंग्स की डेट में ज़्यादा डेज का गैप नहीं था, 7-8 डेज का ही गैप था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल फाइनल आउटकम निकल के आ जाए कि NCLT अप्रूवल दे देती है रेजोल्यूशन प्लान को, या फिर इन्वेस्टर्स के बारे में कुछ सोच के जो 467 करोड़ रुपये इन्वेस्टर्स के फंसे हुए हैं उनके फेवर में कोई डिसीजन लेगी या नहीं। या तो उनको पैसे रिफंड हो या फिर कंपनी रीलिस्ट हो सो दैट उनके पोर्ट दोबारा से आ जाए जिन्होंने भी अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, चाहे सेम नेम से रीलिस्ट हो चाहे डिफरेंट नेम से रीलिस्ट हो, या फिर कोई नेक्स्ट हियरिंग की डेट। बट डेट आने के कम चांसेस हैं। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट कल फ्रेंड्स निकलेगा, बिकॉज बहुत कम डेज की हियरिंग डेट आ गई थी। 28th कल है, तो आपको वेट करना है। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाहर निकल के आ जाएगी वैसे ही मैं आपको बता दूंगी। तो चांसेस हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में कोई डिसीजन लिया जाएगा। सारे पेपर्स चेक हुए हैं, वेबसाइट चेक हुई है, सब कुछ दोबारा से चेक हुआ है। सो आपको बस एक दिन का और वेट करना है फ्रेंड्स, और वो भी कल इवनिंग तक ही आएगा फ्रेंड्स आउटकम जो भी आएगा। तो जैसे ही आउटकम आ जाएगा मैं वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट्स ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगी, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी आती है तो वो भी फ्रेंड्स बता दूंगी। सो वेट कीजिए, बेल बटन को प्रेस करके रखना सो दैट अगर सिंटेक्स इंडस्ट्री की कोई भी वीडियो आती है प्लीज़ उसको चेक ज़रूर कर लेना सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। एंड फ्रेंड्स, अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका जो KYC हो रखा है कॉन्टेक्ट नंबर या फिर ईमेल, उस पर भी आपको डिटेल्स ज़रूर आएंगी कंपनी की तरफ से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंटेक्स इंडस्ट्री। CIRP का कल रिजल्ट आ सकता है, तो अब मेन चीज़ ये है कि रिजल्ट क्या आता है, किसके फेवर में आता है ये देखना है। एटलीस्ट हमारी सिचुएशन क्लियर तो हो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ मिलेगा भी या नहीं। थैंक यू।